क्वेश्चन नंबर वन, रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं करेंगे? अच्छा चालू। क्वेश्चन नंबर वन, पॉइंटिंग टुवर्ड मेन इन द पिक्चर, वुमेन, ये वुमेन राजीव सेठ, हर मदर, अब ये बोला गया है कि हर मदर, हर मदर ये की मदर इज द ओनली ग्रैंड चाइल्ड हूज मदर इज माई वाइफ, इज ओनली ग्रैंड चाइल्ड, इसकी मदर ग्रैंड चाइल्ड है। ओनली ग्रैंड चाइल्ड हर मदर इज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, हर मदर है, हर मदर है ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, हर मदर है ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, हूज मदर, हूज मदर तो ग्रैंड चाइल्ड इसके लिए बोल रहा है, whose mother is my wife, वुमेन हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड हूज मदर, वन ग्रैंड मदर हैज ओनली वन चाइल्ड हूज मदर इज माय वाइफ, whose mother is my wife, आंसर क्या है बताओ, यही इसका आंसर बताओ यार, बी दे रखा है, वाइफ दे रखा है, गड़बड़ है, वाइफ भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, नहीं डाटा इन एजुकेट, हाँ लेकिन वाइफ भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, गड़बड़ है, क्योंकि अब उसने ये नहीं बोला ना कि भाई ग्रैंड चाइल्ड, मतलब ग्रैंड चाइल्ड तो उसका ब्रदर का बेटा भी हो सकता, बेटा बेटी उसके ब्रदर का भी हो सकता है ना भाई, ग्रैंड चाइल्ड का तो मतलब उसने बोला ही नहीं, ग्रैंड चाइल्ड का मतलब तो बोला ही नहीं। अरे बेटा देखो दो तरीके से हो सकता है, समझना, मैं यूं नहीं कह रहा कि तुमने गलत किया है, किसी ने गलत किया है, दोनों आंसर सही है, देखो मैं दो तरीके से करता हूँ, कैसे कर रहा हूँ समझना, मैं बोल रहा हूँ पॉइंटिंग वो मूवमेंट, सब ये मूवमेंट हमारा मूवमेंट इन दर राजीव द हर मदर, हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, वन ग्रैंड चाइल्ड या तो ये इसकी बेटी के बेटे की या बेटी के बारे में बोल रहा है, हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड हूज मदर इज माय वाइफ, हूज मदर इज माय वाइफ, ये तरीके ये राजीव, तो इससे तो वाइफ आ गया, इससे तो आंसर वाइफ आ गया, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमने लगाया होगा जिसने भी लगाया,
किसी ने तो ये बनाया है। लेकिन मैंने एक चीज और सोची है इसमें कि ये उसने बोला हर मदर, अब मदर का बेटा भी तो हो सकता है, उसने ये बोला वन ग्रैंड चाइल्ड, वन ग्रैंड चाइल्ड, सपोज इसका ये ग्रैंड चाइल्ड, ये इसका ग्रैंड चाइल्ड, इसकी मदर, इसकी मदर मतलब इसकी वाइफ, ये इसकी वाइफ है राजीव की, तो यदि ये राजीव की वाइफ है तो ये सिस्टर होगी ना। यदि ये वो यदि ये बोलता कि एक ही बेटी है उसकी, एक ही बेटी है, तब जाके मैं उसका आंसर उसको बोलता, ठीक है, तब हम बोलते कि भाई ये आंसर वाइफ भी जाए, ठीक है, तो बेटा ये तो गड़बड़ है मामला, इसको तो बोनस करना पड़ेगा, बोनस है ये। अरे सबको समझना आया मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको समझना आ गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद थर्ड, उसके बाद थर्ड, P plus Q means, तो आपको तो निकालना है आई नाइन्स ऑफ मीन्स ऑफ की के आई मीन्स ऑफ की, तो पहला ऑप्शन के प्लस वाई प्लस जेड प्लस माइनस आई, अब तो देखना भाई कौन बोल रहा था मुझे प्लस माइनस में दिक्कत आ गई, ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाला क्या बोल रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ वाई, ये बोल रहा हूँ के इज ब्रदर ऑफ वाई, बस पी की जगह के लिख दो, तो के इज ब्रदर ऑफ वाई, अब वाई का पता नहीं कौन है, फिर वाई प्लस जेड, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, ये आ गया आपका। नाउ जेड माइनस, जेड इज सिस्टर ऑफ, जेड इज सिस्टर ऑफ आई, जेड इज सिस्टर ऑफ आई, अब ये तो आई तो नीस होगा ही पॉसिबल ही नहीं है, तो ए ऑप्शन तो नहीं है इसका, अब बी ऑप्शन पे जाते हैं, बी ऑप्शन है के प्लस वाई क्रॉस आई माइनस जे, के ब्रदर ऑफ वाई, फिर क्रॉस के लिए क्या बोल रखा है, वाई इज फादर ऑफ आई, वाई इज फादर ऑफ आई, नाउ आई माइनस जेड, आई इज सिस्टर ऑफ जेड, अब उसने बोल रहा आई इज नीस ऑफ के, आई इज नीस ऑफ के बिल्कुल सही है, आई इज नीस ऑफ के बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर क्या दे रखा इसका, बी दे रखा है। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी बेटा, कौन बोल रहा था प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल इजी है बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है, बस पी जैसे पी प्लस क्यू लिखा हुआ है तो पी की जगह के लो, क्यू की जगह वाई लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ नहीं आया था, अब आया क्या, अरे मुस्कान अब आ गया क्या, ठीक है चलिए थर्ड के बाद नाइन, थर्ड के बाद नाइन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू अवर हस्बैंड, वुमेन सेड मैन, ये रहा मैन, हिज ब्रदर, His brother, father, is the only son of, is the only son of my grandfather, is the only son of his brother's brother, is the only son of my grandfather, my grandfather. Okay. His brother's father, his brother's father is the only son of my grandpa, my grandfather.
कौन सा क्या दे रखा है, कौन सा क्या दे रखा है, बोलिए आंसर क्या दे रखा है नाइन्थ का। हाँ सुनो, किसने पूछा ये नाइन सिस्टर हुई ना, सिस्टर हुई अनीता, समझ नहीं आया सर उस वक्त आया नहीं था भाई, ये बोल रहा है कि ये मैन है, इस मैन का ब्रदर ये, ब्रदर का फादर ये है, जो जो है ये ब्रदर फादर जो है इसके ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है, इसके ग्रैंडफादर से ये हुआ और इसके इकलौता बेटा, तो आपको तो इन दोनों का रिलेशन निकालना है, आपको तो इन दोनों का रिलेशन निकालना है, ठीक वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वुमेन तो उसकी सिस्टर हुई, पहले ये निकाला था फिर कंफ्यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं, नाइन्थ के बाद इलेवन, इलेवन बोल रहा है फिर ए प्लस बी वाला आ गया, देखो सर आपको प्रूव करना है भाई, आपको निकालना है सी इज सन ऑफ एम, सी इज सन ऑफ एम, तो देखो पहला ऑप्शन एम माइनस एन क्रॉस सी प्लस एस, सी इज सन ऑफ एम, पर एम माइनस एन, माइनस का है एम इज सिस्टर ऑफ एन, एम इज सिस्टर ऑफ एन, क्रॉस का मतलब क्या है एन इज फादर ऑफ सी, एन इज फादर ऑफ सी, और प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है सी इज ब्रदर ऑफ एफ, अब आपसे ये बोल रहा है सी इज सन ऑफ एम, सी इज सन ऑफ एम गलत है, सी सन नहीं है एम का, पहला ऑप्शन गलत है, सी सन नहीं है एम का, दूसरा ऑप्शन एफ माइनस सी प्लस एन क्रॉस एम, एफ इज सिस्टर ऑफ सी, एफ इज सिस्टर ऑफ सी, और प्लस का मतलब क्या है सी इज ब्रदर ऑफ, सी इज ब्रदर ऑफ एन, सी इज ब्रदर ऑफ एन, फिर एन क्रॉस एम का क्या मतलब है, एन क्रॉस एम का मतलब है एन इज फादर ऑफ एम, तो सी इज सन ऑफ एम ये भी गलत है, सी इज सन ऑफ एम ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन भी गलत है, अब सी ऑप्शन पे जाना है, बोलो सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, सी ऑप्शन है हमारा, एन प्लस एन माइनस एफ क्रॉस सी, एन इज ब्रदर ऑफ एम, एम इज सिस्टर ऑफ सी, एफ एफ इज फादर ऑफ सी, अब ये बोला सी इज एन ऑफ सी इज एन क्रॉस एन माइनस सी प्लस एफ, डी ऑप्शन एम इज फादर ऑफ एन, एम इज फादर ऑफ एन, एन इज सिस्टर ऑफ सी, तो हो गया ना एम इज फादर ऑफ सी, तो आपसे क्या बोला था सी इज सन ऑफ एम, बिल्कुल सही आ गया, डी ऑप्शन
सी इज अनओपन, क्लियर? यही आ रहा आंसर बेटा, यही आ रहा आंसर। चलिए इलेवंथ, इलेवंथ के बाद थर्टीन, थर्टीन थर्टीन और फोर्टीन तो एक ही है। रवि सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, अमन फादर सिस्टर का सन है रवि। साहिल सन, साहिल सन ऑफ दिव्या मदर ऑफ गौरव एंड ग्रांड मदर ऑफ अमन, ग्रांड मदर ऑफ अमन, ग्रांड मदर ऑफ अमन, who is mother of Gaurav and grand mother of Gaurav, who is mother of Gaurav, Gaurav and grand mother of Aman, Sahil is son of Divya. Sahil is son of Divya. Sahil is son of Divya. Who is mother of Sahil is son of Divya. Who is mother of Gaurav and grandmother of Gaurav? Sahil is son of Divya. Who is mother? Whose mother is? Who is mother of Gaurav and grandmother of Gaurav? Ashok is father of Tanya and grandmother of Ruby. Ashok is father of Tanya and grandmother of Ruby. Grandmother of Ruby. Divya is wife of Ashok. Divya is wife of Ashok. Ashok is father of Tanya and grandmother of Ruby. Divya, how is Ravi related to Divya? How is Ravi related to Divya? How is Ravi related to Divya? Answer क्या देगा भाई? Johnson. Answer क्या देगा? 13 का. ठीक है, क्या दिक्कत आई इसमें? देख लो बेटा. ये मैंने जो बनाया ये समझ में आ गया? किसने पूछा था? ये जो बनाया है समझ में आ गया? डायग्राम वापस बता दो, देखता जाना बेटा। 13 14, रवि इज सन ऑफ अमन फादर सिस्टर, रवि इज सन ऑफ, रवि इज सन ऑफ अमन फादर सिस्टर, अमन के फादर, अमन के फादर की सिस्टर, रवि इसका बेटा। यहां तक समझ में आया? रवि सन ऑफ अमन फादर सिस्टर, यहां तक समझ में आया? अमन के फादर, उसकी सिस्टर का बेटा है रवि, ये क्लियर है? साहिल सन ऑफ दिव्या, हु इज मदर ऑफ गौरव, Sahil is son of and grandmother of Aman. Divya. Divya jo hai grandmother of Aman hai and mother of Gaurav. Gaurav ki mother hai. Aur Sahil iska beta hai, jina Sahil. Sahil bhi iska beta hai. Ye samajh mein aaya? Aman ki grandmother hai Divya. Sahil iska beta hai aur Gaurav ki maa hai. Matlab Gaurav aur Sahil ek dusre ke bete hai. Aur do dusre ke bhai hai. अशोक इज फादर ऑफ तानिया एंड ग्रांड मदर ऑफ रवि। पहले तो दिव्या इज अशोक वाइफ ऑफ अशोक, दिव्या जो है इसकी वाइफ है अशोक, और रवि का ये बोला अशोक इज फादर ऑफ तानिया, तानिया से ये तानिया हो गई, ये तानिया हो गई, ये इसकी बेटी हो गई, ये तानिया होगी और ये इसकी बेटी होगी। क्लियर है? क्लियर है? आ गया ना? दोनों हो जाएंगे आप, फिर 13 14 दोनों हो जाएंगे।
चलिए 13 14 के बाद 15 16 18 सब सर 12 वाला बता दो। 12 वाला भी बता। चलो 12 वाला देखो। Anupam said to a lady sitting in a car. Anupam said to a lady sitting in a car. Dear lady, जो कार के अंदर बैठी है। The only daughter of the brother of my wife's sister. The only daughter of brother of my wife is the sister of in-law brother of your sister. तो लेडी से बोल रहा था मैं, लेडी से मतलब ही नहीं। चले ये अनुपम अपने बारे में क्या बोल रहा है? The only daughter of the brother of my wife, Anupam ki wife, brother of my wife, ये इसका brother. The only daughter of brother of my wife is the sister-in-law of brother of your sister, lady. Lady, अभी दोनों को मिला देंगे भाई. Brother of your sister. Brother of your sister. Brother of your sister. The only daughter of brother of my wife is the sister-in-law. Sister-in-law, brother of your sister. अच्छा नहीं तो ध्यान देना पड़ेगा। Anupam said to a lady sitting in a car. तो दो चीजें, एक तो अनुपम अपने बारे में बता रहा और एक लेडी के बारे में क्या बता रहा वो देख रहा। लेडी के बारे में क्या बता रहा वो देख रहा। इन दोनों को अपन को मर्ज करना। The only daughter of the brother of my wife. My wife मतलब इसकी बहन, ये इसकी बहन। The only daughter of brother of my wife. Only daughter of brother of my wife. Iski ikloti brother of my wife. Only daughter of brother of my wife. Ye iska wife ka only daughter. The only daughter of brother of my wife is the sister-in-law. Is the sister-in-law? Yes, sister-in-law. Sister-in-law. Or brother of your sister. Sister-in-law. The only daughter of brother of my wife. Is the sister-in-law brother of your sister? Brother of your sister. Brother of your How is lady related to Anupam?
क्या रहा आंसर? बन तो यही रहा है बेटा, और कुछ तो बनेगा नहीं इसके हिसाब से। आंसर क्या दे रखा है? अच्छी प्रॉब्लम वैसे ही तो सही है, सनिल लोई तो है, सनिल लोई तो आ रहा है, सही तो है। अनुपम की वाइफ, वाइफ का भाई, भाई का लड़की और लड़की का हस्बैंड, तो लड़की का हस्बैंड अनुपम का क्या होगा? अनुपम का सनिल लोई तो होगा, अनुपम का सनिल लोई तो होगा, सही दे रखा बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, दोबारा मैं वापस से समझा देता हूँ, बिल्कुल सही है सनिल लोई। देखना दोबारा तो समझ रहा जिसको नहीं आया, अनुपम, अनुपम की वाइफ, वाइफ का ब्रदर, ब्रदर की डॉटर, डॉटर ये सिस्टर इन लॉ, लेडी, लेडी के सिस्टर के ब्रदर, के ब्रदर के सिस्टर इन लॉ, ब्रदर के सिस्टर इन लॉ मतलब ब्रदर की भाभी, मतलब लेडी के ब्रदर की भाभी, तो ब्रदर की भाभी मतलब एक और ब्रदर, एक और ब्रदर है, तो एक और ब्रदर की वाइफ है। अब ये यदि ब्रदर की वाइफ है, अब ये बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है क्या पूछा है इसने, एक सेकंड, इसने हमसे क्या पूछा है ये, हाउ इज द हस्बैंड ऑफ द लेडी, हाउ इज हस्बैंड ऑफ द लेडी रिलेटेड टू अनुपम, तो हस्बैंड ऑफ द लेडी तो भाई इसका क्या निकले, क्या बनेगा वो, उसका सनिल लोई तो होगा, देन इट विल बी द सनिल लोई, ये आपका सनिल लोई तो होगा, और कोई ऑप्शंस बन भी नहीं रहा इसमें ये। चलिए 14 के बाद 15, 15 किसने पूछा भाई, डायरेक्शन देन तो नहीं पूछना चाहिए यार, 15 किसने पूछा, मुझे पता तो लगे कि दिक्कत क्या आ रही है, अरे बोलो तो सही, तब मैंने पूछा था बस, अब आ गया पक्का, वैसे मत बोल नहीं आया तो पूछ ले अभी भी, ठीक है 16 फिर दिक्कत आ रही है इसमें है, रेखा और हेमा किसको पूछा, मैं अभी बताता हूँ, देख इधर दीदी, इवनिंग है, इवनिंग का मतलब लेफ्ट है आपका, राइट की तरफ शेडो है, इवनिंग मतलब राइट की तरफ शेडो है। अब देखो इधर राइट ऑफ हेमा, हेमा के राइट में मतलब हेमा नॉर्थ की तरफ देख रही है, हेमा नॉर्थ की तरफ देख रही है, तो बेटा रेखा किधर देखेगी, रेखा किधर देखेगी, साउथ की तरफ देखेगी, नहीं तो नहीं भाई, सनराइज होता तो लेफ्ट की तरफ सेट होती, तो वो जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसकी लेफ्ट की तरफ सेट होती यदि सनराइज होता, लेकिन सनसेट है तो राइट की तरफ सेट होगी, और राइट की तरफ सेट होगी दोनों साइड हेमा की है, मतलब ये हेमा सेडो बात तो क्या दिक्कत आ रही है, आप तो किसकी राइट में, हेमा के राइट में है, हेमा की सेडो, तो हेमा नॉर्थ की तरफ देख रही है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, दोनों एक ही तरफ में तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक दूसरे को तो ना जो बातें कर रही है। चल प्रखर अभी बताएंगे इसको लास्ट में, ये आया क्या 16, अभी भी नहीं समझ आया, मैंने सिर्फ दो चीजें याद करने के लिए कहा है, तुम उसमें दिक्कत कर रहे हो, मैंने सिर्फ दो चीजें याद करने के लिए कहा है, तुम उसमें याद नहीं कर रहे, लेफ्ट सेडो नॉर्थ,
बस फिर भी याद करने के लिए था, फेडो राइट नो बस, और कुछ याद करने के लिए नहीं था। सीधे दो चीज याद करने के लिए था, जो नॉर्थ की तरफ देखेगा सनराइज है तो उसकी लेफ्ट में शेडो बनेगी, सनसेट है तो उसकी राइट में शेडो बनेगी, बस ये दो चीज याद करनी है। अब तुम इससे बोल दो भाई क्या बन रहा है, आप ये बोल रहा है हेमा के राइट में बन रही है, तो हेमा के राइट में बन रही है मतलब हेमा नॉर्थ की तरफ देख रही है बेटा, सनसेट है, हेमा के राइट में बन रही है मतलब राइट में बन रही है हेमा के, ये हेमा के राइट में बन रही है तो हेमा नॉर्थ की तरफ देख रही है, और यदि हेमा नॉर्थ की तरफ देख रही है तो बेटा रेखा साउथ की तरफ भी तो देखेगी, सिंपल सी बात है बेटा, दो चीजें याद करनी है आपको, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो उस चीज में, ये तो सबसे ईजिएस्ट प्रॉब्लम है, इस वाली प्रॉब्लम में क्यों दिक्कत आ रही है, 16 के बाद 18 बेटा, अभी 12 अभी दोबारा बता दूंगा, अच्छी प्रॉब्लम है दोबारा बता दूंगा, पॉइंटिंग टू ए बॉय इन द फोटोग्राफ 18 पॉइंटिंग टू ए बॉय इन द फोटोग्राफ, बॉय है बेटा क्या बॉय, मोनिका सेड हिज सिस्टर इज द ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माय मदर, माय मदर 18 कौन सा बोलो, अच्छा अच्छा हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ Only daughter of my father. बहुत सही, गजब हो गया, गजब हो गया ये, मतलब इससे इजी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तुमने पूछा है, मैं क्या करूं इस वाले क्वेश्चन का, इसमें क्या दिक्कत आई है, बॉय की उसने दोबारा समझना है, हिज सिस्टर मतलब बॉय की सिस्टर, वो जो है वो ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, भाई खुद की फादर की इकलौती बेटी मतलब खुद है, मोनिका के फादर की इकलौती बेटी है तो मोनिका का फादर ऊपर है तो बॉय उसका सन हो गया, तब इसमें क्या दिक्कत आई बेटा मेरे को, ये तो समझ नहीं है इस वाली प्रॉब्लम, आंसर क्या दे रखा है, अरे आंसर क्या दे रखा है सर, इसमें क्या दिक्कत आई, किसने पूछा था 18, किसने पूछा था भाई, मैं समझाऊं तो सही भाई, क्या दिक्कत आई, ये तो मेरे को पता तो लगे बेटा, एक था 18 में क्या दिक्कत आई बेटा बता तो सही, नहीं पहले क्यों नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत आई थी ये तो बता बेटा मुझे, क्या दिक्कत आई थी इसमें, लड़का है, लड़के की बहन मोनिका है, मोनिका का के फादर की इकलौती बेटी है मोनिका, तो मोनिका ही हुई, मोनिका के फादर, मोनिका के फादर का वो भाई क्या हुआ, बेटा हुआ, सिंपल सी बात है बेटा। चलिए 18 के बाद 20, 20 देखो, ए माइनस प्लस बी सर रहने दो मैं कर लूंगी, क्या रहने दो, रहने दो पक्का, हाँ सर पक्का, देख ले पूछना तो पूछ ले, ठीक है फिर इसके बाद एक मिनट, अब मेरा टाइम हो गया अगली क्लास का, आज लेट हो गए, कोई बात नहीं, कल अब 12th वाला और बाकी के कल बताऊंगा, 12th वाला और बाकी के कल बताऊंगा।